हाय एवरीवन, दिस इज दीपक एंड वेलकम टू कॉमिक जोम। तो दोस्तों, आज मेरे पास एक गिटार आ रखा था, एक केडेंस का। इसका मॉडल नंबर है A06EQ मॉडल। इसमें EQ लगा हुआ है, इसलिए A06EQ। और ये गिटार मेरे हिसाब से कस्टमर ने 7000 रुपये का लिया था, और 7000 रुपये के गिटार में एक ऐसी प्रॉब्लम आई है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस गिटार में क्या है कि ये जो नेक है गिटार की, ये बेंड हो गई है, ये ऊपर की तरफ आ गई है। और इसका एक्शन मैं आपको एक बार जूम इन करके दिखाता हूँ। तो इसका एक्शन देख रहे हैं आप, एक्शन जो है ना इतना ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि गिटार का जो आगे की तरफ से उसका जो फ्रेटबोर्ड था वो ऊपर हो गया है। और ये गिटार जो है अनप्लेएबल है, और इवन रिपेयर भी नहीं हो पाएगा अभी हमारे पास है, क्योंकि इसको रिपेयर करने का जो तरीका है वो सिंपल एक ही तरीका है, हीट वाला। इसमें और कोई तरीका जो है काम नहीं आएगा। इसमें क्या है कि हीट वाला जो मेथड होता है, बस उसी से हम इस गिटार को रिपेयर कर सकते हैं। तो केडेंस के आपने गिटार देखे होंगे, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बिकते हैं, लेकिन इनमें भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। इसका रीज़न क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं, ताकि आपके गिटार में ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई गिटार है जिसमें प्रॉब्लम आ रखी है, तो क्या आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि आपके गिटार में ऐसी प्रॉब्लम ना आए? तो सबसे पहला ये मतलब रीज़न जो होता है, इसका फ्रेटबोर्ड जो है वो रोज़वुड का होना चाहिए, और उसकी सीजनिंग हुई होनी चाहिए। सीजनिंग का मतलब होता है कि लकड़ी काट के रख देते हैं और एक साल बाद या दो साल बाद उसको यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो लकड़ी बेंड नहीं हुई होती, उस वाली लकड़ी का यूज़ होता है फ्रेटबोर्ड को बनाने में। और यही लकड़ी जो होती है सबसे अच्छी लकड़ी होती है, इसीलिए गिटार जो होते हैं इतने महंगे होते हैं, क्योंकि लकड़ियों की सीजनिंग होती है, प्रॉपर वुड यूज़ होती है, और प्रॉपर टाइम दिया जाता है गिटार को बनाने में, एक्शन उनका एडजस्ट किया जाता है। लेकिन आप देख रहे हो, अगर इसका इतना बुरा बेंड हो गया, इसका मतलब ये है कि इसकी जो लकड़ी है उसकी सीजनिंग बिल्कुल भी नहीं हुई होगी। मतलब ये गिटार 7000 रुपये के आसपास का है, और 7000 के गिटार में भी अगर ऐसी आपको सर्विस नहीं मिलती है, तो मतलब बहुत ही बुरा फीचर है। आपको ये सर्विस बिल्कुल मिलनी चाहिए। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो है आपके गिटार में नहीं आनी चाहिए, अगर आप कोई भी इंपोर्टेड गिटार ले रहे हो। प्लस गिटार के अंदर ट्रस रॉड है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रस रॉड होती है गिटार में, इसमें भी है, लेकिन ट्रस रॉड से आपका गिटार अगर इतना ज़्यादा बेंड हो जाता है, तो आप बिल्कुल भी इसको रिपेयर नहीं कर सकते। ट्रस रॉड उस चीज़ के लिए होती है कि जब आपके गिटार में छोटा मोटा बेंड आता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, तो आप ट्रस रॉड का यूज़ कर सकते हैं, और अपना गिटार का जो एक्शन है, यानी कि फ्रेटबोर्ड और स्ट्रिंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है, उसको थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। लेकिन जब इतना ज़्यादा बेंड आ जाता है, तो आप ट्रस रॉड से भी उसको ठीक नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको जो ठीक करने का तरीका है वो है बस हीट वाला, जिसमें हम यहाँ पे हीट प्रेशर करके, हीट अप्लाई करके और प्रेशर देके इसको नीचे कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगता है। तो अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। अगर आप चाहते हैं कि आपके गिटार में ऐसी प्रॉब्लम ना आए, तो आपको क्या करना है कि जब भी लंबे टाइम के लिए गिटार को प्ले ना करें, लंबे टाइम यानी कि 15 दिन से ऊपर अगर आपको पता है कि गिटार आप प्ले नहीं करने वाले, तो गिटार को ट्यून करके मत छोड़ें, इसको अनट्यून कर दें। और अनट्यून करने से क्या होगा, इसकी जो नेक है इस पर प्रेशर नहीं आएगा, और ये आगे पीछे की तरफ बेंड नहीं होगी, और पीछे का बेंड जो होता है वो रिपेयर करना ज़्यादा आसान होता है कंपैरेटिवली, अगर आपका गिटार जो है आगे की तरफ बेंड हो जाता है। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई गिटार है या कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ भी सजेशन लेना चाहते हैं कि कौन सा गिटार आपको लेना चाहिए जिसमें ये प्रॉब्लम कम से कम आए या बिल्कुल भी ना आए, या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या टिप्स या आपको मैं बता सकता हूँ कि जिससे आप अपना गिटार सेफली घर पर रख सकते हैं बिना प्रॉब्लम के, तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसा बैंड ना हो, इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें करनी है बस। जब भी लंबे टाइम के लिए ना बजाओ, स्ट्रिंग्स को लूज़ करके रखना, और अपना गिटार जो है ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी वाले एरिया में मत रखना, उससे भी क्या होता है वुड पे फ़र्क पड़ता है, और आगे की पीछे आगे या पीछे की तरफ ये बेंड होती है। तो दोस्तों, कुछ भी आपको अगर पूछना हो, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो कैसे ठीक करवा सकते हो, और क्या क्या आपको चीज़ें करनी चाहिए, वो आप सब नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।